नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वृषभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। वृषभ राशि 18 और 19 फरवरी 2020 दो ऐसे दिन जिस दिन ग्रहों का महासंयोग आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बुरा या कुछ मिला जुला, दुख सुख या दुख सुख का मिला हुआ जो मिश्रण होता है, ऐसा वक्त आ सकता है। तो आइए जानते हैं यह दो दिन किस प्रकार से बीतने वाले हैं, अच्छे बुरे या मिले जुले, कितने सरल हैं, कितने कठिन हैं, और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, और क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठा हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव कुंडली का बुरा भाव होता है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो अष्टम भाव में कुछ शुभ ग्रह बैठे हैं, कुछ अशुभ ग्रह बैठे हैं, कुछ शुभ योग बनेंगे, कुछ अशुभ योग बनेंगे। तो इस समय अंतराल में मिले जुले परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अब विस्तार से समझते जाइए क्यों और कैसे। गुरु चंद्र गज केसु योग बनाते हैं, गुरु और केतु चांडाल दोष भी बनाते हैं, ध्वज योग भी बनाते हैं, चंद्रमा और केतु ग्रहण दोष बनाएंगे, मंगल और चंद्रमा महाभाग्य योग, महालक्ष्मी योग भी बनाएंगे। गुरु और मंगल की युति थोड़ा सा टेंशन वाली होती है। तो कुल मिलाकर ये सारे योग बने, कुछ अशुभ कुछ शुभ। अब अष्टम भाव में बुरे ग्रह कौन कौन से हो गए? मंगल पापी ग्रह है, केतु पापी ग्रह है, तो दो ग्रह ऐसे हुए जो पापी ग्रह है। गुरु जो है स्वराशि का है, केतु जो है वो उच्च का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं इन दो तारीखों में। तो शुभ अशुभ का चक्कर यहाँ पर पड़ने वाला है और मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा संभल कर इस वक्त को बिताएं, बहुत सावधानी से बिताएं। अनेक लाभों के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक छोटी सी गलती खुशियों में ग्रहण लगा दे। बस इतनी सी इल्तिजा है, थोड़ा ध्यान से सुनते जाइए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपका क्रोध बढ़ेगा, आपका उठना बैठना बुरे लोगों के बीच में हो सकता है, आपकी संगति बुरे लोगों की तरफ आपको खींच के ले जा सकती है। तो यहां पर आपको बचने की आवश्यकता है। आप अच्छी संगति में रहें तो बढ़िया है। आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके बड़े लोग आपको समझाएंगे कि नहीं जाना है। ये नहीं जाना वाले आपके अच्छे योग हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जिद करके चले जाएंगे, यानी बुरे जो योग है उनका प्रभाव आपके ऊपर हावी हो गया तो आप चले गए। तो अच्छे लोगों की सुनेंगे तो बच जाएंगे, बुरे लोगों की सुनेंगे तो फंस जाएंगे। आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चिड़चिड़े ना हो, क्रोध ना करें, जवाब ना दें। आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा आप जवाब दे देंगे, टू तड़ाक कर देंगे, तो अब सामने वाला भी कहेगा कि मेरी आप चाहे छोटी उम्र के हैं और बड़ा आदमी आपको समझा रहा है, कोई योग्य आदमी, आप उसको बदजुबानी कर देंगे, टू तलाक से बात करेंगे, उसकी बेइज्जती कर देंगे, तो वो भी एक बार समझाएगा, दूसरी बार नहीं समझाएगा, और यहीं से बुरी कहानी शुरू हो सकती है। तो बचना जरूरी है, और बचाने के लिए भगवान आपको बहुत मौके देंगे, लेकिन आप अगर मौकों को गंवा देंगे तो फंसते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्रोध नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, वाहन की गति और जुबान की गति कंट्रोल में रहनी चाहिए, ब्रेक लगा के चले तो बढ़िया रहेगा। आपके लिए ग्रहों का यह गोचर कुछ फायदे वाला है और कुछ नुकसान वाला है। जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूं, आपके बहुत दिनों से रुके हुए जो काम हैं वो पूरे हो जाएंगे अचानक से, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। कोई फंसा हुआ धन था, किसी ने पैसा लिया था दे नहीं रहा था, तो हो सकता है आपको मांगने की जरूरत भी ना पड़े और अपने आप मिल जाए, या प्यार से एक बार मांगा तो अगला राजी हो गया। अगर आप शेयर मार्केट के जानकार हैं तो और अच्छी पकड़ रखते हैं, दिमाग रखते हैं, तो शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमा सकते हैं, या कुछ ऐसा निवेश कर सकते हैं जो भविष्य में जाकर बहुत फायदेमंद होगा। आज कुछ ऐसे काम बनेंगे जिससे आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत बड़ी हो जाएगी। आप एक के बाद देखेंगे कि आपके काम पूरे होते जा रहे हैं बिना प्रयासों के, और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज जो शुभ योग है वो आपके पक्ष में है, आपके सितारा बुलंद कर रहे हैं, और हो सकता है आपकी लग्न कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर। तो आज आपको ये प्रसन्नताएं, ये खुशियां मिलेंगी, तो इसके साथ साथ किसी जरूरतमंद की सहायता भी आपको करनी है,
खुशियां जब मिलती हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं और खुशियों की धुन में ऐसा खो जाते हैं कि सुध बुध खो बैठते हैं। यहीं से परेशानी का दौर शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, फिर आपको पूरी तरीके से ये 2 दिन समझ में आ जाएंगे। लापरवाही में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा निर्णय ना लें जो आपका नुकसान करा दे, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। खुशी में सावधानियां मत भूल जाइएगा। आपकी संतान का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब आप इन बातों पर भी ध्यान दें जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, थोड़ा विशेष ध्यान दें। जो आपने पिछले दिनों में काम किए थे, यानी आज से पहले जो कुछ ना कुछ अच्छे काम किए, कुछ मेहनत करी, उसका फल आपको मिल रहा है। ईश्वर की कृपा भी उसमें ऐड हो रही है। तो आपकी मेहनत का फल और पिछले दिनों जो आपने कर्म किए थे अच्छे, उसका फल इन तारीखों में मिल रहा है। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको याद ही नहीं होंगी, आप करके भूल जाते हैं, और कुछ ऐसी होती है जो याद रहती हैं। तो आपके लिए समय अभी तक बढ़िया है, लेकिन इन दिनों में आपको क्या नहीं करना है ये आप जान लीजिए तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें, बोलने से पहले तोल मोल कर बोले, बड़े छोटे का लिहाज रखें, किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है। नौकरी व्यापार में सतर्क होकर काम करें, किसी पर भी पूर्ण विश्वास ना करें, अंधविश्वास ना करें। जब तक चीजों को खुद जांच पर रखने वाले तब तक हामी ना भरें, और आपको कोई अपना या अपनों जैसा जो आपके बीच में ही हो, ऐसा शत्रु जिसको आप पहचान ना पाते, वो धोखा दे सकता है, परेशान कर सकता है। धन निवेश करने से पहले सोच लें, यह समय शुभ नहीं है, बहुत जरूरी हो तो करें। शेयर मार्केट में समझदारी से पैसा लगाएंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। एक गलती आपकी कमाई कमाए हुए धन को जीरो भी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। विवादों से दूर रहें, बेकार के लोगों के से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें, अच्छे बुरे का फर्क समझें, और ये चीज समझें कि कौन आपका शुभ चिंतक है, कौन आपका दुश्मन है। इस चीज को अगर समझेंगे तो बेहतर रहेगा। और बेकार के लोगों से दूर रहें, और जरा सी नजदीकी आपने बुरी आदतों की तरफ करी या बुरे लोगों की तरफ करी तो आपकी समझ लीजिए कि बुरी आदतें ऐसी होती हैं कि उंगली पकड़कर वो पूरा आपको खींच लेंगी, ये आप समझ लीजिए। आप पूरा फंसे तो फिर फंसते चले जाएंगे, ये ऐसा दलदल है जिसमें निकलने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अगर कुछ अनहोनी होती है तो आपकी गलती से होगी। कुंडली में महाभाग योग बन रहा है जो आपको एक तरफ लाभ देगा, धन देगा, दूसरी तरफ आपको जिद और क्रोध भी देगा। तो जिद और क्रोध में आप आते हुए लाभ को गंवा दें तो गलती है आपकी, भगवान आपको दे रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सावधान रहिए, जिद मत करिए और जुबान को बढ़िया रखिए, गुस्सा मत करिए। जिद और क्रोध से फिर आपको बचना होगा। गुरु और केतु आपको बुरी संगति में ले जा सकते हैं, वहीं आप अगर ठीक प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो सभी मन की इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। गुरु और केतु ध्वज योग भी बनाते हैं, चांडाल दोष भी बनाते हैं। तो समझ लीजिए आप ऐसे दोराहे पे खड़े हैं, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मधुशाला है। जाए तो जाए कहां, दोनों ही चीजें आपको बुला रही हैं। तो ये तय कर लीजिएगा किस तरफ जाना है, और कदम बहके तो वापस आने में बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कम बोलिएगा तो बढ़िया रहेगा, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, आपका नाम और काम होगा। गज केशरी योग बनेगा, अष्टम भाव में बनना है, बहुत ज्यादा फलित नहीं होगा लेकिन शुभ है, तो कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम दे ही जाएगा क्योंकि गुरु भी स्वराशि के हैं। तो आप ये मान लीजिए भागते भूत की लंगोटी काफी वाला हिसाब है, ना होते होते भी कुछ ना कुछ अच्छा करके ही चला जाएगा। चंद्र और केतु का ग्रहण दोष बनेगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, तो आपको सावधान रहना होगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई तो समझ लीजिए सब कुछ हाथ से गया। यहां पर बड़ा दिक्कत है कि बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना है, हर फैसला ठीक प्रकार से लेना है, सोच समझ के लेना है। अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखना है, माता जी से आशीर्वाद लेना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी महिला को सताना नहीं है। और महिलाओं का आदर सम्मान करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, महिलाओं का अनादर करेंगे तो नीचे गिरते चले जाएंगे। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंधों में तनाव के बाद प्यार होगा, पहले लड़ेंगे मरेंगे या एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उसके बाद फिर प्यार भरी बातें शुरू होंगी, यानी कि खट्टी मीठी बातें होंगी। लेकिन पहले इतना मत लड़ लीजिएगा कि सॉरी बोलने के लिए आपको घंटों बार सोचना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम जोश में या होश खोए कर इतना ज्यादा किसी को अपशब्द या इतना ज्यादा बुरा बोल देते हैं कि माफी मांगते हुए भी शर्म आती है। तो हदे पार मत करिएगा। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे पढ़ाई लिखाई को लेकर, लेकिन जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत अव्वल दर्जे की पढ़ाई करेंगे, लेकिन ओके ओके
चल जाए, काम जैसे तैसे निकल जाएगा आपका, बस इतना समझ लीजिए। समय बढ़िया है, प्रयास करें तो और बढ़िया बना रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस समय को कैसे लेते हैं। ये एक मिश्रित समय है जहां पर एक हाथ में आपके लाभ है और एक हाथ में हानि है, और दोनों का क्या बैलेंस बना के आपको चलना है ये आप खुद तय करिए। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इस तरीके से बढ़िया तरीके से समय को बिताएंगे तो ये 2 तारीखें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। अब बात करते हैं उपाय की। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, और इसके साथ साथ सफेद चीजों का दान करिए। शिव जी को जितना पसंद करेंगे बुद्धि उतनी आपकी चुस्त दुरुस्त रहेगी, और गायत्री मंत्र का जितना पाठ करेंगे आप सुखी रहेंगे। ये तो थे आपके लिए छोटे छोटे से उपाय जिससे आपको बड़ा लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। अब बात करते हैं कुछ और। अगर आप परेशान हैं जीवन में, ये 2 दिन अभी आ रहे हैं, ऐसे न जाने कितने दिन आए, न जाने कितने दिन बीत गए, इन आने जाने वाले दुख संकटों से बचने के लिए आपको मैं 2 उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, रक्षा कवच धारण कर लीजिए अपनी राशि का। आपकी हर प्रकार के ग्रहों के प्रभाव से, बुरी नजर से, बुरे लोगों से, बुरी संगति से, हर प्रकार की अशुभ घटना से आपकी रक्षा होगी। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपना रक्षा कवच मंगा सकते हैं। नंबर 2, इस महाशिवरात्रि में 501 रुद्राक्ष मैं और योग्य ब्राह्मण मिलकर अभिमंत्रित करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र से और महामृत्युंजय मंत्र से। ये पंचमुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है, इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे। सभी का मतलब सभी, जो भी कोई होते हैं, आप हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिसके जो कष्ट हैं वो सभी दूर करेंगे, क्योंकि भगवान के पास वो शक्ति है कि वो सभी के कष्ट दूर कर सकता है। और रुद्राक्ष में और पंचमुखी रुद्राक्ष में शिव का स्वरूप है, और जैसे पंच तत्व से ये शरीर बना है वैसे पंच तत्व का गुण उसके अंदर है, और आप समझ लीजिए सर्व सर्व कल्याणकारी मंगलकारी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जिसकी जैसी समस्या वैसा काम। आप इस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करें RUD501 दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये कितने मूल्यों में आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत कम मूल्य है, और इसके साथ साथ आपको महामृत्युंजय यंत्र और प्रसाद भी आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर मुफ्त भेजा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। एक चीज और जान लीजिए, ये रक्षा कवच, ये रुद्राक्ष लेना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप लीजिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए तो आप लीजिए, नहीं चाहते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता ही रहता हूँ कि आपके जीवन में बिना कुछ किए ही सब कुछ बढ़िया हो जाए। अब वो अच्छा होगा या नहीं होगा ये ईश्वर के हाथ में है, मैंने अपना कर्म कर दिया, मेरी वेल विशेज आपके साथ है। हरिओम नमस्कार। 21 फरवरी 2020 महाशिवरात्रि, भगवान शिव को प्रसन्न करने की वो रात जिस दिन शिव भक्त शिव के नारों से, शिव की भोले जय शिव शंकर के नाम से ऊंचे ऊंचे स्वरों में शिव को प्रसन्न करते हैं, आवाज लगाते हैं, जलाभिषेक होता है, दूधाभिषेक होता है, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप से शिव की आराधना करते हैं, नृत्य करते हैं, डमरू की आवाज में एक मधुर ध्वनि का आनंद लेते हुए भक्ति में डूब जाते हैं। ऐसी शिवरात्रि की रात होती है जब शिव को प्रसन्न करके शिव से वो वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं जो आप चाहते हैं। 21 फरवरी 2020 को मैं और मेरे साथ जो कर्म कांड के ज्ञाता, मंत्र उच्चारण करने में जिनको महारत हासिल है, वो सिद्ध करेंगे 501 पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष ये पंच ब्रह्मा का स्वरूप है, शिव को अति प्रिय है, पंच तत्वों का प्रतीक, दुख दरिद्रता नाशक, स्वास्थ्य वर्धक, आयु वर्धक, सर्व कल्याणकारी, शिक्षा देने वाला, मंगल फलदाता, पुण्यदाता, किए गए अनेक बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला, अभीष्ट सिद्धियों को देने वाला शिव का प्रिय पंचमुखी रुद्राक्ष, जिसको हम ओम नमः शिवाय के मंत्रों से
और महामंत्र जी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करेंगे कि जीवन में आपके कोई कष्ट नहीं आने देगा यदि आप इसको धारण करते हैं या फिर अपने घर में स्थापित करके इसकी विधिवत पूजा करते हैं। गंगा स्नान का फल आप इसको पहनकर प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इसको धारण करके अनेक प्रकार की जो विपरीत शक्तियां होती हैं, चाहे वो नजर हो, चाहे वो बाधा हो, पारिवारिक कलेश हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, चाहे पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक ना हो, वैवाहिक जीवन में तनाव हो या मित्रता में तनाव हो, व्यापार ठीक से ना चल रहा हो, नौकरी में दिक्कतें चल रही हो, नौकरी मिल ना रही हो, सेहत में खराबी हो, दिन प्रतिदिन दुख दर्द बढ़ते जा रहे हो, तो इस शिवरात्रि जो रुद्राक्ष हम अभिमंत्रित करेंगे, इसको धारण कर लेने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आना तय है। तो आप सभी भक्त जो शिव को मानते हैं, जो शिव में आस्था और विश्वास रखते हैं, वो अभिमंत्रित नेपाली पंचमुखी रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिर से आपको बता दूं, ये सिर्फ 501 रुद्राक्ष हम इस बार अभिमंत्रित कर रहे हैं, और 501 रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के बाद जो भी लोग इसको चाहेंगे वो लोग व्हाट्सएप करें, RUD501 लिखें, RUD501, और दिए गए नंबर पर इसको मैसेज कर दें। उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और ध्यान से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, बहुत कम मूल्यों में ये आपको प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ आपको प्रसाद और महामृत्युंजय कवच भी फ्री में दिया जाएगा, जिसको आप अपने घर पे धारण कर सकते हैं और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष गले में धारण किया जा सकता है, घर के मंदिर में रखा जा सकता है, कार्य क्षेत्र में रखा जा सकता है, और सभी बड़े बूढ़े बच्चे किसी भी उम्र के हों इसको धारण करके शिव की कृपा को पा सकते हैं। आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं वो दूर करेगा यह पंचमुखी रुद्राक्ष। तो 21 फरवरी 2020 को 501 रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है, इसको सफल बनाइए। और यदि आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर से कहूंगा, RUD501 लिखकर व्हाट्सएप कर दें दिए गए नंबर पर, ताकि आपको सारी जानकारी हमारी टीम शेयर कर सके। तो आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, शिव भक्तों को शिव की कृपा प्रदान हो और आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते रहेंगे ईश्वर की कृपा से। हरिओम, नमस्कार।